हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप 10 लेस्बियन वेब सीरीज़ की जो इंडिया में बनी है और हिंदी में अवेलेबल है। इसमें से अधिकतर वेब सीरीज जो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी या कहीं पास और भी तो फ्री में अवेलेबल होगी। तो मतलब इसमें अधिकतर जो वेब सीरीज़ मैं बताऊंगा वो आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी प्राइड मंथ, एंड इस पूरे प्राइड मंथ आप सब खुश रहिए, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहिए। एंड सिंगल हो तो मैं कुछ डेटिंग सेटिंग वाला कुछ वीडियोज़ भी बनाने वाला हूँ, तो एक्साइटेड हो जाइए मेरे उन वीडियोस को भी देखने के लिए। मेरे आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द माय चैनल LGBTQ के लिए इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों ही मेरे चैनल पर अवेलेबल रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे आती है द अदर लव स्टोरी। द अदर लव स्टोरी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग 8.7 की है। इसे आप आसानी से YouTube पर देख सकते हो। इसकी कहानी शॉर्ट में बताऊँ तो ये दो लड़कियों की कहानी है जो आपस में प्यार करती है। जमाने की दुनिया की सारी रीति रस्मों को छोड़ के उन्होंने एक दूसरे से प्यार करती हैं, और ये इंडिया की सबसे पहली लेस्बियन वेब सीरीज़ भी इसे कहा जाता है। फ्री में अवेलेबल है, तो जाके देखो यूट्यूब पे द अदर्स लव स्टोरी। नंबर 9 पे आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एक इंडियन ड्रामा वेब सीरीज़ है जो हिंदी में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसे 2013 में रिलीज़ किया गया था। इसकी IMDb रेटिंग 7.2 की है। तो आप जाइए यूट्यूब पर देखिए, फ्रीली अवेलेबल है। दो लेस्बियन की लव स्टोरी को दिखाया गया है, बहुत ही मस्त लव स्टोरी होने वाली है। तो आप जाके बेटर एक्सपीरियंस ले सकते हो फ्री में यूट्यूब पर ही। नंबर 8 पे आती है माई पर्सनल फेवरेट वेब सीरीज़ द मैरिड वूमेन। द मैरिड वूमेन को 2021 में रिलीज़ किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 की है। इसे आप G5 और ALD बालाजी पर देख सकते हो। इसमें कहानी एक मैरिड वुमेन की दिखाई जाती है जो एक लेस्बियन है और खुद की लाइफ को फ्रीली जी नहीं सकती, क्योंकि एक माँ है, एक पत्नी है, उसके पास घर की सारी जिम्मेदारियाँ हैं और वो एक टीचर भी है। एंड सीरीज़ में आपको यही देखना है कि खुद के लिए कैसे एक कदम उठा पाती है, कैसे इन सब चीज़ों से फ्री हो पाती है, कैसे सोसाइटी से, अपने पति से, अपने बच्चों से फ्री हो के अपनी लाइफ जी पाती है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ। तो इसी को दिखाया गया इस वेब सीरीज़ में, बहुत ही मस्त लेस्बियन वेब सीरीज़ है, तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आप सभी को। नंबर 7 पे आता है 4 More Shots Please। इसे 2019 में रिलीज़ किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 है। इसे आप Amazon Prime पर आसानी से देख सकते हो। इसमें कहानी 4 औरतों की दिखाई गई है जो खुद को जीना चाहती है, खुद मतलब कुछ टाइम की छुट्टियों पर जाती है और खुद को जीना चाहती है। चारों औरतें उसमें से एक लेस्बियन भी होती है और उसकी भी कहानी इसमें दिखाई गई है। तो लेस्बियन लव स्टोरी भी है और उन तीनों की भी स्टोरी दिखाई गई है। इसमें चारों का मतलब अपना अलग अलग प्रॉब्लम है, उसमें से एक लेस्बियन का भी प्रॉब्लम है उसमें, तो ये दिखाया गया है इस वेब सीरीज़ में। तो ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है, आपको देखना है तो देख सकते हो आप Amazon पर इनका सब्सक्रिप्शन लेके। नंबर 6 पे आता है माया 2। माया 2 भी बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, जिसे 2018 में रिलीज़ किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 की है। इसे आप YouTube पर भी आसानी से देख सकते हो, आप जियो सिनेमा पर भी इसे बहुत अच्छे से देख सकते हो, जियो सिनेमा पर भी ये फ्री में अवेलेबल है। तो ये दो लड़कियों की बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वेब सीरीज़ है, तो बहुत ही मस्त वेब सीरीज़ है, आपको देखना चाहिए। बहुत अच्छी लव स्टोरी दिखाई गई इसमें माया 2 में, तो बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, आपको देखनी चाहिए इसे। ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और जो सिनेमा पर, दोनों जगह फ्री है, तब देख लो। नंबर 5 पे आता है रागनी MMS रिटर्न्स, जिसे 2017 में रिलीज़ किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग 4.1 की है। इसे आप जियो सिनेमा पर और ALD बालाजी पर देख सकते हो। अगर आप इसे जियो सिनेमा पर देखते हो तो ये आपको पूरा फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा, आप इसे फ्री में देख सकते हो जियो सिनेमा पर। इसके फाइनल एपिसोड में लेस्बियन लव स्टोरी को दिखाया जाता है, एंड कुछ लेस्बियन लव स्टोरी को भी इसमें दिखाया गया है। एक थोड़ा हॉरर और रोमांटिक टाइप का वेब सीरीज है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने के लिए। अगर आप स्ट्रीट हो, लेस्बियन हो, गे हो, कोई भी हो, तो आप इसे देख सकते हो रागनी MMS को। नंबर 4 पे आता है द गर्लफ्रेंड्स लव स्टोरी। इसे 2020 में रिलीज़ किया गया था, जिसे आप कुकू ऐप पर आसानी से देख सकते हो। तो जाओ और देखो, ये भी बहुत अच्छी खासी लव स्टोरी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी।
नंबर थ्री पे आती है सहेली। सहेली को ये तो नहीं पता कि सहेली को कब रिलीज़ किया गया था या इसकी IMDb रेटिंग्स कितनी है, इसकी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन उतनी मिली नहीं, लेकिन इसे आप कुकू ऐप पर देख सकते हो। ये दो लड़कियों की बहुत अच्छी लव स्टोरी है, जो सहेली होती हैं और कैसे उनके बीच लव होता है, कैसे वो एक दूसरे से प्यार करने लगती हैं और उसके बाद सोसाइटी वाले क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लव स्टोरी में, तो यही जानना है आपको इस वेब सीरीज में। तो जाओ और देखो, बहुत मस्त वेब सीरीज है सहेली भी। नंबर टू पे आती है हेलो। ये एक हिंदी डब्ड वेब सीरीज है जिसे वो बंगाली में रिलीज हुई थी बंगाली लैंग्वेज में, लेकिन ये हिंदी में अवेलेबल है एंड बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। मैंने इसका एपिसोड 1 देखा है, बहुत अच्छी है। बाकी की भी एपिसोड मैं देखने वाला हूँ, मैं हर रोज इसका एक एपिसोड देखने वाला हूँ, तो मैंने आज से ही इसका एपिसोड देखना स्टार्ट कर दिया है। इस वेब सीरीज को 2017 में रिलीज किया गया था, इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। इसकी IMDb रेटिंग 7.9 की है और इसे आप जियो सिनेमा पर आसानी से फ्री में देख सकते हो, क्योंकि मुझे फ्री में जियो सिनेमा पर देखने के लिए मिल रहा था तो मैंने देख लिया इसको। एंड इसका ओरिजिनल ऐप कोई और है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है इसे ओरिजिनल ही कहाँ पर टेलीकास्ट यानी कि कहाँ पर रिलीज़ किया गया था। तो देख सकते हो आप हेलो का सीज़न 1 फ्री में अवेलेबल है जियो सिनेमा पर, वो भी हिंदी में। तो देर क्या कर रहे हो यार, लेसविन लव स्टोरी देखना है तो हेलो से बेटर कुछ नहीं है, जाके देखो। नंबर 1 पे आती है इश्क शतरंगी। इस शतरंगी को 2019 में रिलीज़ किया गया था, इसे आप आसानी से यूट्यूब पर देख सकते हो। इसकी IMDb रेटिंग से नहीं है एंड इसका भी ओरिजिनल ऐप नहीं पता कि इसे रिलीज़ कहाँ किया गया था, लेकिन आप इसे आसानी से यूट्यूब पर देख सकते हो, तो आप जाके देखो। एक लेस्बियन लव स्टोरी है, एक बहुत अच्छी लव स्टोरी दिखाई गई है इस सीरीज़ में भी, तो आप देख सकते हो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, तो वेट क्या कर रहे हो, जाके देखो। तो ये थी टॉप 10 लेस्बियन वेब सीरीज़ की लिस्ट। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और मुझे पता है बहुत सारी वेब सीरीज़ का नाम छूट चुका है इसमें से, मैंने बहुत सारी लेस्बियन वेब सीरीज़ का नाम छोड़ दिया, जैसे देव डीडी, लव US एंड इस तरीके की बहुत सारी वेब सीरीज़ का मैंने नाम छोड़ दिया है अभी। तो अगली वीडियो में इसको पूरा कन्फर्म कर दूंगा, पूरे ख़त्म कर दूंगा, मतलब पूरी वेब सीरीज़ के बारे में बता दूंगा अगली इसका। हाँ, नेक्स्ट पार्ट भी आ रहा है इसका, पार्ट 2, लेस्बियन वेब सीरीज़ का पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो अपनी फेवरेट वेब सीरीज़ का जो इसमें छूट गया, तो जिसमें अगले वीडियो में ले सकता हूँ। तो आपको पता है इसके अलावा भी कोई लेस्बियन वेब सीरीज़ है, प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड अभी हमें गेस के लिए वीडियो लेके आना है, यानी कि गे वेब सीरीज़ पर भी वीडियो लेके आना है, उसके बाद LGBTQ पर भी कुछ वीडियोस लेके आना है एंड प्राइड मंथ पे भी वीडियो लेके आना है। एंड एक प्राइड मंथ स्पेशल पर कुछ मूवी लिस्ट को लेके आऊँगा, जो लेस्बियन मूवी भी होगी, गे मूवी होगी, ट्रांसजेंडर मूवी होगी, जिसे आप देख सकते हो पूरे प्राइड मंथ। और 10 फिल्में आपको पूरे प्राइड मंथ देखनी चाहिए एंड ऐसा कुछ लेके आने वाला हूँ मैं। और 10 सॉन्ग्स को भी लेके आने वाला हूँ, 10 या 5 सॉन्ग्स जिसे आप पूरे प्राइड मंथ आपको सुनना चाहिए। एंड बहुत अच्छे सॉन्ग्स होंगे, बहुत अच्छी मूवीज होगी, बहुत अच्छा खासा इंटरटेनमेंट होगा। मेरे चैनल पर इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा LGBTQ के रिलेटेड। तो आप LGBTQ कम्युनिटी से आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।